हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यांत्रिकी। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ लेवल टू के कुछ 10 क्वेश्चंस। और आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, इन अ बोल्टेड जॉइंट टू मेंबर्स आर कनेक्टेड विद एन एक्सियल टाइटनिंग फोर्स ऑफ 2200 न्यूटन। इफ द बोल्ट यूज्ड हैज मैट्रिक थ्रेड्स ऑफ 4 mm पिच, देन द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द टाइटनिंग फोर्स इज। तो गेट 2004 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। टॉर्क अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला जो होगा आपको वो फोर्स इनटू रेडियस का लगेगा। फोर्स जो है वो प्रोवाइडेड है, तो फोर्स दिया हुआ है आपको 2200 न्यूटन और इनटू रेडियस। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपको रेडियस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन 2π। इसको आपको याद रखना है, कितनी आ जाएगी आपको, पी अपॉन 2π। तो यहाँ पिच की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, आर की जगह अगर आप लिखते हो पी अपॉन 2π, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो 2200 मल्टीप्लाइड बाय पिच, पिच जो है वो आपको 4 mm में दी हुई है। और यहाँ देखिए, आप आंसर्स में सारी चीज़ें आपको न्यूटन मीटर में दे रखी हैं, तो यहाँ आप डायरेक्टली कन्वर्जन एक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 0.004 डिवाइडेड बाय 2 into π। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1.4 न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको अल्टीमेटली याद कर रहे हैं, टी इज इक्वल्स टू एफ इन टू आर एंड आर का रिलेशन पी अपॉन 2π से। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जी अपॉन ई फॉर अ पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.25 वुड बी। इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, E इज इक्वल्स टू 2g1+μ। आई होप ये रिलेशन आप सबको याद होगा। E अपॉन g करोगे तो आपको 2 1+ इन प्लेस ऑफ म्यू यू कैन पॉइंट 0.25 रख सकते हैं। तो ये देखना है आपने, ये 1.25 आ जाएगा, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.50। पर क्वेश्चन में यहाँ पर z अपॉन e की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको ये जो आंसर मिला है ये किसका मिला है, e अपॉन g का। तो इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, यानी कि 1/2.5 अगर आप कर दीजिए तो आपको ये कितना आ जाएगा, 0.4, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना है कि फॉर्मूला यहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना है, कि ई इज इक्वल्स टू 3k1-2μ यूज़ करना है आपको। तो बल्क मॉडुलस टू मतलब आपको k अपॉन ई की वैल्यू पूछी गई है, तो बस वैल्यू पुट कर देना है आपने। म्यू की वैल्यू आपने कितनी रख देनी है, 0.25, और आप देखोगे कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ द स्फीयर डी से दिया इन लोगों ने, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यदि अगर आप निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन है आपका, तो डायरेक्टली आप 3 times ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द डायमीटर, यानी कि आंसर इसका आप कर दोगे सी। इलोंगेशन ऑफ अ टैपर बार विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक टैपर्ड सेक्शन अगर आप ले लो जिसकी लेंथ एल है, जिसका बिगर डायमीटर d2 और जो स्मॉलर डायमीटर वो d1 से अगर आप दो, बोथ साइड्स पी फोर्स यदि आप अप्लाई करो, तो जो चेंज इन लेंथ यानी कि डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4PL/π d1 d2 मल्टीप्लाइड बाई ई। ऑप्शन सारे चेक करोगे तो ये पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट है, ए को मैं एज आंसर मार्क कर सकता हूँ।
मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ टैपरिंग सेक्शन इज़ एट, तो बिल्कुल जहाँ पर एरिया सबसे कम होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो इस लॉजिक के तहत अगर आप देखो तो इसका आंसर आपको स्मॉलर एंड होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आंसर मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ बी, इस क्वेश्चन के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ आंसर बी। अ कंपोजिट सेक्शन दैट कंटेन्स थ्री डिफरेंट मटेरियल्स, द स्ट्रेन इन ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स विल बी, यदि कंपोजिट सेक्शन है और तीन डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए आपने, फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास, भले ही तीनों की एरिया वगैरह सेम हो, आप फाइंड करोगे कि तीनों ही सेक्शंस में जो इलॉन्गेशन होगा वो सेम होगा अगर मेंबर्स पैरेलल में हैं तो, और जो स्ट्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, यानी स्टील में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा और कॉपर में अलग होगा। तो सीधे इसका आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ सी। अ स्टील बार ऑफ 5 mm इज़ हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ नॉट फ्री टू एक्सपेंड। अब स्टील बार दी हुई है आपको एंड इट इज़ नॉट फ्री टू एक्सपेंड, यानी कि इसके दोनों साइड्स को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज़ नॉट फ्री टू एक्सपेंड, मतलब जो एंडिंग्स हैं उस पर पूरी तरह से फिक्स किया हुआ है। तो जब इसको आप हीटिंग कर रहे हो, जब आप इसको यहाँ से हीटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये एक्सपांड होने को देखेगा, और क्योंकि एक्सपांड होने को देखेगा तो इस वॉल से इसको क्या लगने वाला है, फोर्स, रिएक्शन फोर्स मिलने वाला है, और ये जो रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा उसका नेचर कॉम्प्रेसिव होगा क्योंकि वो इस एक्सपेंशन को अपोज़ करता हुआ, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको अपोज़ करने के लिए रिएक्शन लग रहा है, इसीलिए ये नेचर इन दोनों की देखिए। यहाँ से आपका आंसर सही बनेगा आंसर डी, यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बार इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज़ कूल्ड टू -5 डिग्री सेल्सियस, व्हेन अ बार इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिर से एक बार ले लिया है और उसको दोनों भी एंड्स पे आपने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, और इस बार आप उसको क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो कूल करने की वजह से ये बार कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। -5 डिग्री से कूल किया है आपने, लिखा है यहाँ पे कूल किया है, तो जो वॉल्स हैं वो रिएक्टिव फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, इस कॉम्प्रेशन के अपोजिट, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है उसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई होगा दोनों तरफ। अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो ये नेचर कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए सही आंसर आपको होगा आंसर सी। द स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लोड, स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी कि डेल्टा एल तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपेरेटिवली लोड बहुत स्लोली बढ़ रहा है। तो अगर फिर से इसके ऊपर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आपको मैंने बताया भी है कि यहाँ प्रोपोर्शनल रहता है, फिर इलास्टिक होता है और फिर आप यील्डिंग देखते हो, और यील्डिंग के दौरान क्या होता है, आप देखो डेल्टा एल इंक्रीज हो रही है लेकिन फोर्स जो है वो मोर और लेस क्या है, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने यील्ड पॉइंट कर देना है, राइट आंसर आपको हो जाएगा आंसर सी। तो ऑल राइट दोस्तों, आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इस बार हम लोगों ने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 10 सॉल्व किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ये पूछ सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। आई होप जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया वो पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।